हेलो नमस्कार। आज हम देखेंगे कि ये ग्रीन ओनियन हरे प्याज का अचार हम कैसे बनाएं। तो ये हरा प्याज है, इसको अच्छे से साफ कर लिया है और धो लिया है। ये देखिए, अच्छे से साफ कर लें। इसके पीले पत्ते हैं या जो रूट अच्छी नहीं है उसको निकाल दें, है ना, क्योंकि हमको है ना थोड़ा सा इसको प्रिजर्व भी करना है और अचार भी बनाना है। तो इसको अच्छे से साफ कर लें और धो लें, इसमें मिट्टी वगैरह ना हो। ज़्यादा पानी से, दो पानी से, दो तीन पानी से इसको अच्छे से धो लें। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई है ये मेरे घर में। ये देखिए, अच्छे से धो लिया है और इसको रफली तीन चार पीस में काट लें, माने कि फिंगर चिप्स में काट लें। ये फिंगर जैसे दिख रहे हैं ना, क्योंकि अचार खाने में ना ये अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे लें और दो दो इंच के, डेढ़ डेढ़ इंच के टुकड़े कर लें, है ना। तो ये खाने में भी इजी है और है ना प्रिजर्व करने में भी आसान है। जब भी चाहिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। ये ऐसे काट लें इसको और इसको रख लें, है ना। ये कट गई है मेरी प्याज और आप देख लीजिए, ये अच्छे से धुली है, पूछी है, पानी इसका निकल गया है। अब एक बर्तन लेंगे हम और इसमें हाफ स्पून नमक डालेंगे। नमक हमें ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि प्याज में नमक ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसमें है ना रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे आधी स्पून, है ना। क्वांटिटी आप देख लीजिए आपकी कितनी है, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, मुझे जितना डालना है। तो आधी स्पून सॉल्ट है और आधी स्पून नमक है, और इसको मिला लीजिए और कांच के बर्तन में रख लीजिए। ये खाने के लिए बहुत अच्छा है और हेल्दी तो है ही है। आज हमने है ना पराठे से खाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। ये देखिए, कांच के बड़े बाउल में, किसी बर्तन में या बर्नी में भर लीजिए इसको। और ये हमारा अचार बनके रेडी है, हरे प्याज का अचार। और इसको वैसे ही रख सकते हैं हम रूम टेम्परेचर पे, अभी तो सर्दी है, नहीं तो इसको बंद करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 स्पून वेनेगर। ये वाइट वेनेगर है, अगर आपके पास सिरका है, देसी सिरका, तो वो भी डाल सकते हैं। ये वाइट वेनेगर है और इसको मिला लीजिए। ध्यान रखना है कांच के बर्तन में ही रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।